हेलो हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, मंडे का दिन है, सोमवार का सुबह से ब्लॉग नहीं स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी देर हो गई है। दोपहर का टाइम हो रहा है, बज रहे होंगे अभी 10:30 या 11, इतना टाइम हो रहा है। मैं रेडी हो रही हूँ, बच्चों के कपड़े मैंने यहाँ पर निकाल दिया है बेड में। बच्चे गए हैं स्कूल, उन सभी का पेपर चल रहा है। हस्बैंड जी आज छुट्टी लिए हैं क्योंकि हमारी फैमिली में आज काम है, सगाई कार्यक्रम है, तो वहाँ जाना है हम लोगों को, गांव मेरे ससुराल। तो हस्बैंड जी इधर रेडी हैं, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। न्यू न्यू उन्होंने कुर्ता पैजामा बनवा लिया है, वो भी पीला पीला। सभी लोग उनको देख के बोल रहे हैं आप हल्दी के फंक्शन में जा रहे हैं क्या? सब लोग मतलब हंस रहे हैं कि मार साहब आप हल्दी के फंक्शन में जा रहे हैं क्या, आपने पीला पीला सिला रखा है। बट उनका क्या है ना, फैशन अलग ही है। कहीं भी उनको जाना है तो वो सबसे पहले न्यू कपड़े खरीदेंगे अपने लिए, कैसी भी स्थिति हो, मतलब कपड़े की तरफ से उनको मतलब कमी कभी नहीं होनी चाहिए। और मैं परेशान हूँ चूड़ियों में कि मतलब चूड़ी किसी तरह सेट की मिल जाए, और टूट भी रही है जल्दी जल्दी। सारे घर का काम किया मैंने, बच्चों को भेजा स्कूल, सफाई करी घर में, उसके बाद बच्चों के लिए रोटी सब्जी बना के रखा है कि वो लोग आएंगे तो खाएंगे, उसके बाद फिर मैं रेडी हो रही हूँ। ये देखिए आराम से वेट कर रहे हैं बच्चों का, क्योंकि बाइक से जाना है तो दो बच्चों को ये लेके चले जाएंगे, खुशी और मैं, चाची सासू माँ, ये सब लोग हम रिक्शे से जाएंगे। तो अब बस बच्चे आने ही वाले हैं, मैं फाइनली हो गई हूँ रेडी। पहले मैंने सोचा बाल खुला रख लूँ, फिर मुझे लगा बाल है ही नहीं तो जूड़ा बना लेती हूँ छोटा सा। फाइनली अब हो गई हूँ रेडी फ्रेंड्स, ये देखिए सिंपल सा नेल पॉलिश नहीं लगी है, बस बच्चे नहीं आए हैं, बच्चे आ जाएं स्कूल से, उसके बाद फिर उनकी तैयारी बनाऊंगी, फिर जाऊंगी। आप लोग बताइएगा मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है। मुझे ये साड़ी ना फ्रेंड्स थोड़ी सी नॉर्मल लग रही थी, दिन में थोड़ा सा हल्का कलर ही अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, और आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और ये देखिए मेरी प्रिंसेस, मेरी गुड़िया खुशी रानी रेडी हो गई है पिंक शरारा में, कैसी लग रही है आप लोग बताना। बच्चे आ भी गए, आधी आधी रोटी सब्जी से खाए हैं क्योंकि कहीं जाना होता है, भूख बोले मम्मी अपने आप गायब हो जाती है, वो भी गांव जाने का मौका मिलता है तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो खुशी को मैंने ब्रेसलेट दे दिया है, चाची सासू मम्मी आ गई हैं, हम सभी अब रिक्शे से जाएंगे। नेल पॉलिश मैंने आप लोग को बताया था ना, यहीं पास में मेरे यहीं घर में ही दुकान है किराए से, तो मैं सोच रही थी कि यहीं पे मैं ले लूँगी कल जब जाऊँगी। नेल पॉलिश ख़त्म थी मेरे घर में, क्या होता है जब कोई चीज़ हमारे पास में होती ना, हमें लगता है अरे अभी नहीं कल ले लेंगे, लेकिन आज इनकी दुकान ही बंद है। तो खुशी को बेचारी को जाना पड़ा, बोल रही थी मम्मी मैं रेडी हो चुकी हूँ तो नहीं जाऊँगी। रिक्शे वाले भैया जा रहे थे, मैंने कहा भैया 15 मिनट रुक जाइए हम थोड़ा नेल पॉलिश वगैरह लगा लेते चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया है, वहाँ कार्यक्रम शुरू हो गया होगा। देखो खुशी लेके आ गई है नेल पॉलिश, अब हम और सासू मम्मी लगा लेते हैं, वो भी भूल गई हैं लगाना, जल्दी जल्दी क्या होता है फ्रेंड, कहीं जाना होता है तो भागा दौड़ी रहती, लगता है चलो समय से पहुंच जाओ, भले वहाँ हम कुछ ना करें बैठे रहें देखते रहें, बट ये है हम पहुंच गए हैं, बस ये होता है क्योंकि परिवार है, फैमिली परिवार, आप जानते हैं ना परिवार कितना मायने रखता है, हम कुछ करें या ना करें बस साथ में खड़े रहें एक दूसरे के, यही समझ लो परिवार है। देखिए हम लोग यहाँ पहुँच भी गए हैं, पूरी कचौड़ी यहाँ बेली जा रही है, बहुत ही शुद्ध और देसी भोजन यहाँ बनेगा। मंदिर है यहीं पे, इंगेजमेंट होगी, ओली भरना कह लो कुछ भी कह लो, तो ये सारा फंक्शन यहाँ पे है, हम सभी बेल रहे हैं। यहाँ पे मीठा दिया जा रहा है सबको दोने में, इसके बाद फिर होगा सारा कार्यक्रम गुद भराई का, गुद भराई कहते हैं ओली भराई, मुझे समझ ही नहीं आता, मैं मेन इंगेजमेंट कहती हूँ जहाँ अंगूठी पहनाई जाती है, शायद यहाँ ना पहनाया जाए। देखिए खाना उधर रेडी हो गया, हम सभी रूम में बैठे हुए हैं, खुशी इधर, मेरी दोनों जेठानियाँ हैं, हम तीन देवरानी जेठानी हैं, ये देखिए हम तीनों साथ में ही बैठे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ओली का कार्यक्रम होने जा रहा है शुरू, तो
तो हम सभी पहले से बैठे हुए हैं, जिससे उधर वाली महिलाएं हैं तो उनका हम लोग स्वागत कर सके। बच्चे बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, मत पूछिए कितना खुश है, गांव आने का मौका जो मिल गया है। देखिए लड़के की तरफ के लोग आ गए हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों, सबके लिए हम लोग बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग क्या, मैं तो बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, इधर मेरी खुशी पहले ही थक गई है। वो कहीं भी जाने के लिए इतनी लव में रहती, खुशी में रहती है कि मम्मी मुझे जाना है जाना। जब वहाँ पहुँचती है ना तो आधे एक घंटे के बाद कहे कि मम्मी अब घर कब जाना है, ये तो उसका कुछ हाल है। ये देखिए लड़की आ गई है जिनकी उली है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मंदिर है, खेत है, इतना अच्छा यहाँ का नज़ारा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, मतलब शुद्ध देसी। बगल में गेहूँ लगा हुआ है, हम सब खुश हैं एकदम से। यहाँ पे ये देखिए बड़े मम्मी पापा हैं मुझे लगता है लड़के के, जो चैन पहना रहे हैं जंजीर सोने की। और अब देखिए हमारे पति देव दिख रहे हैं थोड़ा सा, ये पीला कुर्ता पहने हुए खड़े हैं, अभी तक बस बातें ही कर रहे थे सबसे, दिखाई नहीं दिए। जब से मैं आई मैंने इनको देखा ही नहीं, मतलब किसी को पा गए, बातें होने लगी, बस सो गया, बैठे रह जाते, ये तो कुछ इनका हाल होता है। और हम तो बिंदास बातों में भिड़े हैं महिलाओं के, लेकिन हम सब देख भी रहे हैं, खड़े होकर देखने भी लगते हैं, ये नहीं कि जहाँ बैठ जाएं बैठ जाएं। ये सास ससुर हैं लड़की के। तो फाइनली अब यहाँ से मुझे लगता है हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, जाएंगे फिर खाना वाना खाएंगे, भूख भी लग गई है, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मुझे यहाँ अच्छा बहुत लग रहा है। बैठे बैठे थक गए हैं, धूप हल्की हल्की आ रही है, कुछ नहीं। कार्यक्रम यहाँ का हो गया है, अब सभी लोग छत में जाएंगे, खाना खाएंगे, मतलब अभी हम नहीं खाएंगे, हम तो घर वाले हैं, पहले ससुराल वाले खाएंगे लड़कों वाले की तरफ से। इधर खुशी बोली मम्मा आप मुझे पानी पिला दीजिए, ये देखिए कितना अच्छा व्यू है छत का। सब लोग विदा हो गए लड़के वालों की तरफ से, हम लोग भी खा चुके हैं, ये देखिए शुद्ध पत्तल में खाना मिला है खाने के लिए। अब यहाँ से सीधे घर जाएंगे, ये हमारे परिवार की ही महिलाएं हैं, मतलब फैमिली की ही, फैमिली फंक्शन था, बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत मज़ा आई, सारे अपनों से मुलाकात हो गई। नहीं बाहर कस्बे में रहो ना फ्रेंड्स, तो बस बच्चों की पढ़ाई, घर के काम, बस इसी में सारा दिन बीत जाता है। चलिए फ्रेंड्स खाने पीने के बाद सीधे आ गई हूँ घर, बहुत ज़्यादा थक गई, इतनी भीड़ भाड़ आवाज़ शोर की मत पूछिए। अब फाइनली जा रही हूँ, चाय पीऊँगी, अभी जस्ट खाना खा के आई हूँ, लेकिन बिना चाय के मज़ा नहीं आएगी। हस्बैंड लोग अभी नहीं आए हैं, वहीं बैठे हुए हैं, सबसे बातें बातें कर रहे हैं, बच्चे भी नहीं आए हैं, केवल मैं आई हूँ। घर देखिए एकदम बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ से लेके पीछे तक, तो चलिए पहले कपड़े समेट लेते हैं। 6:30 बजे आए हैं, 12 बजे यहाँ से निकले, चलिए फिर।